12 नवंबर 2001 को अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट नंबर 586 उनके 260 पैसेंजर्स के साथ न्यूयॉर्क क्वीन में क्रैश कर गई, यानी कि सारे उनके पैसेंजर्स की डेथ हो गई। तो न्यूयॉर्क वासियों ने एज्यूम कर लिया कि शायद 9/11 की तरह उन पर फिर से हमला हुआ है, मगर उसके बाद इन्वेस्टिगेटर ने जो फाइंड की इंफॉर्मेशन उस पर से ये पता चल गया कि ये एक टेररिस्ट अटैक नहीं था, और ये इंफॉर्मेशन उन्होंने ब्लैक बॉक्स से पता की। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये ब्लैक बॉक्स क्या है, उसे कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो जब भी कोई फ्लाइट क्रैश होती है तो हमेशा हम मीडिया में सुनते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स नहीं मिला, ब्लैक बॉक्स पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी, तो ये सच में ब्लैक बॉक्स क्या है। तो ब्लैक बॉक्स एक्चुअली दो ऑरेंज कलर के मेटल के बॉक्स होते हैं। ये आइडिया कहाँ से आया, तो जब 50s में पहला कॉमर्शियल जेट उनके 2 साल की सर्विस के अंदर 5 बार क्रैश हो गया, तब लोगों ने सोचा कि सीरियसली फ्लाइट के अंदर ऐसी कोई मशीन तो होनी चाहिए कि उस टाइम पे फ्लाइट पे क्या हो रहा है या फिर वो चीज़ें रिकॉर्ड कर सके। तो फर्स्ट जनरेशन के जो ब्लैक बॉक्स थे वो मेटल फॉइल से डेटा रिकॉर्ड करते थे, उसके बाद 70s में उस ब्लैक बॉक्स को अपग्रेड किया गया और उसके बाद मैग्नेटिक टेप पे सारे इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड रहती थी, और उसके बाद 90s में सॉलिड स्टेट ड्राइव में सारे डेटा रिकॉर्ड रहते थे। मगर इतने सालों बाद भी ब्लैक बॉक्स का कंसेप्ट तो सेम ही है, उसके अंदर बेसिकली दो मेटल के बॉक्स रहते हैं, पहला है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और दूसरा है फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर 4 चैनल के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करता है, पहला तो है मेन पायलट, दूसरा है को पायलट, तीसरा है कॉकपिट के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डर सेट किया गया होता है, और चौथा है पैसेंजर साइड पे एक रिकॉर्डर सेट किया गया होता है। और जब भी कोई दुर्घटना होती है तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग मॉनिटर की जाती है और उसे पता लगाया जा सकता है कि सच में हुआ क्या था। तो फ्लाइट 587 के साथ जो हादसा हुआ और उसकी जो मॉनिटरिंग की गई रिकॉर्डिंग की, तो उससे ये पता लगाया जा सका कि पायलट को प्लेन उड़ाने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि उसके आगे की जो फ्लाइट थी उसे वेक टर्बुलेंस पैदा होता था, मगर ये वेक टर्बुलेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि पूरी फ्लाइट को क्रैश कर दे। तो इन्वेस्टिगेटर को पता नहीं लग सका इनिशियल स्टेट में कि सच में ये क्रैश कैसे हुआ, तो उनको दूसरा जो मेटल बॉक्स होता है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ी, जो था फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। तो ये जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है वो फ्लाइट की पूरी इंफॉर्मेशन को 25 घंटे तक रिकॉर्ड कर सकता है, और उसके अंदर एटलीस्ट 88 टाइप की अलग अलग इंफॉर्मेशन सेव रहती है, और उसका आउटपुट कंप्यूटर एनिमेशन के तरह निकलता है, यानी कि पता चल सके कि पायलट या फिर को पायलट किस तरह से प्लेन को उड़ा रहे थे या फिर उन्होंने क्या गलतियां की। तो फ्लाइट 587 के अंदर जो को पायलट था जो प्लेन उड़ा रहा था उस टाइम पे, उन्होंने रडर पेडल पे कुछ ज़्यादा ही फोकस कर लिया था, इसकी वजह से जो पीछे की फिन होती है वो टूटकर गिर चुकी थी, वो उतना प्रेशर सहन नहीं कर पाई और इस वजह से पूरी फ्लाइट क्रैश हो गई। यानी कि कुछ केसेस में दोनों मेटल बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है, और कुछ केसेस में सिर्फ और सिर्फ कॉकपिट के रिकॉर्डिंग को सुन के भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या प्रॉब्लम हुई थी। तो हर एक प्लेन एक्सीडेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, भले ही वो फ्लाइट सर्वाइव कर देती है क्रैश से या फिर क्रैश हो जाती है, मगर उसका ब्लैक बॉक्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है सारी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो ब्लैक बॉक्स के दोनों मेटल बॉक्सेस को टेल पार्ट पे रखा जाता है, क्योंकि वहां पे डैमेज होने के कम से कम चांसेस होते हैं। और ब्लैक बॉक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो उसका मेमोरी यूनिट है, उसे स्टील के मोटे या फिर टाइटेनियम के मोटे बॉक्स के अंदर रखा जाता है, ताकि अगर प्लेन क्रैश भी हो जाता है तो उस यूनिट को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। मगर कुछ बार ऐसा होता है कि ब्लैक बॉक्स कभी मिलते ही नहीं है, तो वो ब्लैक बॉक्स यूजलेस हो जाते हैं। वैसे ब्लैक बॉक्स के अंदर एक और यूनिट होता है जो हमेशा प्रति सेकेंड 30 दिन तक बैटरी पे चलता है, और वो कंटिन्यूसली अल्ट्रासाउंड वेव्स को रिलीज करता है, ताकि आसानी से ब्लैक बॉक्स फाइंड कर सके। और ब्लैक बॉक्स पानी के अंदर भी 14,000 फीट के नीचे से अल्ट्रासाउंड वेव रिलीज कर सकता है और उसे फाइंड किया जा सकता है। मगर कई बार कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो सर्च टीम होती है वो ब्लैक बॉक्स के काफ़ी दूर होती है और ब्लैक बॉक्स कभी मिलता ही नहीं है, तो उसकी वजह से किसी ने एक नया ही प्रपोजल रखा है कि जो ब्लैक बॉक्स का कंसेप्ट है उसे हटाकर एक ऐसे सिस्टम ऑप्टेन की जाए, डेवलप की जाए कि कंटिन्यूसली जो कॉकपिट रिकॉर्डिंग सिस्टम है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम है, वो कंटिन्यूसली ग्राउंड स्टेशन पे या फिर सैटेलाइट से सिंक हो, यानी कि रियल टाइम पे क्या चीज़ें हो रही है प्लेन के साथ वो हमें इंफॉर्मेशन मिल सके, और फ्यूचर में अगर कोई हादसा ऐसा होता है तो मीडिया को या फिर जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी फैमिली को हमें ऐसे वेट ना करवाना पड़े ब्लैक बॉक्स के लिए, और उनको एक सही जवाब मिल सके कि सच में उनके साथ क्या हुआ था। तो आई होप कि इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप फ्यूचर में ऐसे ही नए नए टेक्नोलॉजी पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस पर्टिकुलर वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही,
और मैं कुछ तरह आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।